नमस्कार सभी को, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। तो आशा यही है कि आप और आपके पास पास सब कुछ कुशल मंगल होगा। तो आज का वीडियो में डिस्कस हमें ये करना है कि जो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट्स होते हैं, कोई चेंज अगर लाती है पार्लियामेंट, तो उसके प्रोसेस क्या है, क्या उसके चरण है जिसको वो फॉलो करती है, और किन लॉज के लिए कैसा अमेंडमेंट जो आप लेके आते हैं उसका प्रोसेस कैसा रहता है, बस हम वही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले आज का प्रश्न, कौन सी कंट्री इस बार का G20 जो समिट है वो होस्ट कर रही है। ऑप्शन आपके समक्ष है और परंपरागत अनुसार अंत में मिल जाएगा। तो शुरू करने से पहले, आजकल हवाएं चल रही हैं वन नेशन वन पोल की, मतलब एक देश और या एक राष्ट्र एक इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक साथ चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। बट हमें ये देखना है आज के इस वीडियो में कि अमेंडमेंट कैसे होते हैं, चेंज कैसे होते हैं। आसान भाषा में जिसको हम चेंज कहते हैं, पॉलिटिकल भाषा में पॉलिटी में उसको अमेंडमेंट कहते हैं। तो सबसे पहली बात, आर्टिकल 368 जो है संविधान का, इसको डील करता है, जिसमें पावर एंड प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है। थ्री डिफरेंट प्रोसेस या फिर चरण है जिसमें अमेंडमेंट्स फुलफिल किए जाते हैं। सर्वप्रथम सिंपल मेजोरिटी, नाम से ही पता चल गया होगा, कुछ ही लोग चाहिए पलटने के लिए, सॉरी वैसा वाला पलटना नहीं, कुछ ही लोग चाहिए कि अमेंडमेंट वो हाँ कहें, मतलब यस यस यस, और अमेंडमेंट हो जाएगा। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें। अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो सिंपल मेजोरिटी आपके समक्ष वीडियो में आ जाएगा। इसमें क्या है कि अमेंडमेंट के लिए सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस है ये, जिसमें एनी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, तो कोई भी अगर ऑर्डिनरी लॉ है तो जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे उस समय पार्लियामेंट में, उन्हीं को कोरम मान के, कोरम भी समझ लेते हैं आसान भाषा में अटेंडेंस कहते हैं, पॉलिटी की भाषा में कोरम कहते हैं। तो कोरम मतलब जितने लोग भी प्रेजेंट है उस समय वो यस कहेंगे ज्यादातर लोग, तो ऑर्डिनरी लॉ चेंज हो जाएगा, इसे कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। दूसरा स्पेशल मेजोरिटी, तो जितने भी लॉज मतलब ऑर्डिनरी नहीं होंगे, फर्स्ट में फॉल नहीं करेंगे, वो स्पेशल मेजोरिटी में आएंगे। इसके बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 368 जो है वो ये बताने की कोशिश करता है। आर्टिकल 368 रिक्वायर्स दैट द अमेंडमेंट बिल इज पास्ड इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। बोथ हाउसेस कौन है, राज्यसभा लोकसभा, बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जो लोग प्रेजेंट हैं उनमें से अगर 2/3 लोग उस कोरम के उस अटेंडेंस जो आप पे लगी हुई है, मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं, अगर उनमें से 2/3 लोग यस कर देते हैं तो उसे स्पेशल मेजोरिटी मान लिया जाता है। लोकसभा के रूल नंबर 158 के अकॉर्डिंग ये जो टोटल मेंबरशिप बोला गया है कि जितने लोग प्रेजेंट होंगे, उसके मायने क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस इररिस्पेक्टिव या फिर नॉट विद स्टैंडिंग, दोनों एक ही बात है। कि ये नहीं देखना है कि वैकेंसी कितनी है, एब्सेंटी कितनी है उस मोमेंट में, ये देखना है कि जितने लोग प्रेजेंट है उसमें से 2/3 लोग यस 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 बोले, वो नहीं जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे। तीसरा, रेटिफिकेशन बाय स्टेट। तो इसमें दो प्रोसेस लगते हैं, पहला स्पेशल मेजोरिटी तो लगेगा ही लगेगा कि 2/3 तो चाहिए चाहिए। दूसरा रेटिफिकेशन कहाँ का लगता है, बट ऑल्सो रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स। आधा स्टेट हाँ बोले ही बोले, नंबर ऑफ स्टेट्स की बात हो रही हो, उसके बाद मामला प्रेसिडेंट के पास जाएगा और वो अपना एसेंट मतलब कि हाँ या ना बोलेंगे। जो हमने फर्स्ट टू कैटेगरीज देखी है वो आर्टिकल 368 में स्पेसिफिकली लिस्टेड नहीं है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में और आसानी से आएगा कि 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आई सरकार 2014 में। एस्टैब्लिशमेंट एक तरीके का एस्टैब्लिशिंग था ये कि नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाया जाए, जिससे ये डिसाइड होगा कि जज कौन बनेगा और एक तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सके आपको अपॉइंटमेंट में। एनजैक भी कहते हैं इसको, जिसको रेटिफाई किया गया 16 स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा और फिर प्रेसिडेंट का उसे एक्सटेंड मिला। सिमिलरली 2016 में 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया गया, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर था, जिसको रेटिफाई किया एक तरीके से हामी भरी 23 स्टेट्स ने। लास्टली एंट्रेंच्ड प्रोविजन, मीनिंग आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। इसमें क्या है, आर्टिकल 368 लिस्ट करती है 6 पार्ट्स जो कि बताते हैं एडिशनल सेफगार्ड फॉर अमेंडिंग देम। फर्स्ट, आर्टिकल 54 and 55 डीलिंग विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट हो गया। सेकंड, आर्टिकल 73 and 162 डीलिंग विद द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। थर्ड, आर्टिकल्स बिटवीन 124 to 147 and 214 to 231, ये किस पे डील कर रहे हैं, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। फोर्थ, आर्टिकल 245 to 255, ये डील करते हैं स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव टैक्सिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। फिफ्थ, आर्टिकल 82 डीलिंग विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। एंड लास्ट, आर्टिकल 368, ये एंट्रेंच्ड प्रोविजन्स हैं, मीनिंग
रीडिंग आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को करने के लिए जो मेन जो मेजर तीन चरण चाहिए होते हैं, जिसके तहत आप कोई भी चीज को चेंज कर सकते हो, बदलाव ला सकते हो लॉ में, कानून में, तो पहला सिंपल मेजोरिटी, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी, तीसरा रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। तो ये था ब्रीफ में कंटेंट। आई होप समझ में आया होगा कि तीन वो चरण कौन से हैं जिसके तहत कोई भी सरकार जब आती है तो लॉ में अमेंडमेंट लेके आती है, पुराने लॉ को बदलना, कुछ ठीक ठाक कर देना, मॉडिफिकेशन कर देना। अब पढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। जवाब है, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बिल्कुल सही बात है, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ऑप्शन बी भारत, इंडिया जो आपके दिलों में है वही। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपना प्यार दें जैसा कि आप दे ही रहे हैं, बस उसकी मात्रा थोड़ी सी और बढ़ा दें। बाकी नेक्स्ट वीडियो आने तक से पहले जय हिंद, नमस्कार और हर हर उत्तर प्रदेश।